लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी दौरे जारी हैं। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में पीएम की बिहार में दो और उत्तर प्रदेश में एक जनसभा है। पीएम नरेंद्र मोदी का मोतिहारी और सीवान में दो जनसभाओं को संबोधित करने का कार्यक्रम रहा। पीएम बीती रात ही पटना पहुंचे थे। मोतिहारी के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। इसके बाद मोतिहारी में उनका एक घंटे का कार्यक्रम भी रहा। पीएम मोदी 10 दिन के अंदर ही दूसरी बार बिहार आए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पीएम मोदी का ये सातवां बिहार दौरा है। ये पीएम नरेंद्र मोदी का पांचवां चंपारण दौरा है। इससे पहले वो एक बार पीएम कैंडिडेट के तौर पर और एक बार स्वच्छता से जुड़े सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने मोतिहारी आए थे। साल 2015 और 2020 विधानसभा चुनाव के वक्त भी वो प्रचार करने मोतिहारी आए थे। पीएम ने अपने संबोधन में एक बार फिर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। का भारत इंडी गठबंधन के पापों के साथ आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए हर चुनाव में कांग्रेस आरजेडी जैसे दलों पर जनता जोर का प्रहार कर रही है। 4 जून को इंडी वालों के इरादों पर सबसे बड़ा प्रहार होगा। ये प्रहार होगा देश में भ्रष्टाचार पर, ये प्रहार होगा तुष्टीकरण की राजनीति पर, ये प्रहार होगा टुकड़े टुकड़े गैंग पर, ये प्रहार होगा समाज को लड़ाने वाली गंदी सोच पर, ये प्रहार होगा सनातन को गाली देने वाली विकृत मानसिकता पर, ये प्रहार होगा अपराधी माफिया जंगल राज पर, ये प्रहार होगा महिला विरोधी मानसिकता पर।